90 चौराहे पर बुधवार की सुबह मंत्रियों एवं अधिकारियों की उपस्थिति में सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त उत्तर प्रदेश कैंपेन की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और नगर विकास एवं ऊर्जा विभाग की कमान संभाल रहे अरविंद कुमार शर्मा भी शामिल रहे। वहीं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। विशिष्ट अतिथि के रूप में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री केपी मालिक, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा और लखनऊ की महापौर संयुक्ता भाटिया ने भी शिरकत की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री एके शर्मा ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक केमिकल से बनता है और इसके इस्तेमाल से पर्यावरण को तो नुकसान पहुँचता ही है, साथ में हमारे स्वास्थ्य को भी बहुत नुकसान पहुँचता है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के साथ साथ हमारे लिए भी प्लास्टिक खतरनाक है, सरकार ने इस पर प्रतिबंध भी लगाया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने जीवन में इसके उपयोग को पूरी तरह से खत्म कर दें। सिंगल यूज प्लास्टिक वो प्लास्टिक है जो पहली बात तो केमिकल से बनता है और इसको एक बार उपयोग करके हम फेंक देते हैं। जब फेंकते हैं तो वो हमारी गलियों में, कुचों में, मोहल्लों में वो इधर उधर फैलता है, कई बार नदियों में, तालाबों में, समुद्र में भी वो जाता है। उसे हमारे पशु पक्षी और यहाँ तक कि मछलियाँ भी खाती हुई पाई जाती हैं। उसके चलते उन जीवों के सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ता है। हमने स्वयं देखा है कि गायों के पेट में से किलो किलो प्लास्टिक ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है। उसी प्रकार से यहाँ तक कि पशु पक्षी भी खाते हुए देखे जाते हैं। समुद्र और तालाब की बात करें तो मछलियों पे भी उसका वही असर पड़ता है। तो पहली बात तो ये कि प्रकृति के हमारे जो ये जो अंग हैं, पशु पक्षी या मछली, उनकी स्वयं की सेहत पे असर पड़ता है। उसके बाद हम जब उस उनके उत्पाद को जब हम मानव समाज खाता है, जैसे आप मछली खाते हैं या किसी पशु का दूध पीते हैं या पक्षी का कोई अंग आप उपयोग करते हैं, तो वही दुष्प्रभाव जो है वो फिर मानव समाज पे, मानव शरीर पे भी आता है। इसलिए यह हर तरह से सिंगल यूज प्लास्टिक बहुत ही ख़राब चीज़ है। इसका हम जितना भी वो बंद कर सकें, इसका जितना भी हम जल्दी से इस पर प्रतिबंध लगा सकें, बंद कर सकें। सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। अब समाज से आज की इस पूरी कार्यक्रम का के पीछे यही भावना है कि समाज इसके प्रति जागृत हो, हम स्वयं सभी लोग इसके प्रति जागृत होकर के सिंगल यूज प्लास्टिक को अपने जीवन से निकालें। ये हमारे सबके लिए बहुत अच्छी बात होगी। उसी की शुरुआत करने के लिए, उसी के लिए जन जागृति लाने के लिए आज सरकार ने ये कार्यक्रम रखा हुआ है। वहीं लखनऊ की महापौर संयुक्ता भाटिया ने कहा, शहर को स्वच्छता रैंकिंग में ऊपर लाने के लिए लखनऊ वासियों का भरपूर सहयोग मिला है। अब प्लास्टिक फ्री लखनऊ बनाने के लिए जनता का सहयोग चाहिए। जनता में जागरूकता को बढ़ाने के लिए इस कैंपेन की शुरुआत की गई है। हमारा लक्ष्य है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से बंद हो, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ हम अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर रख सकें। ये एक लखनऊ नगर पर, सबसे पहले तो मैं लखनऊ नगर वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उनके सहभागिता के कारण, उनके सहयोग के कारण लखनऊ को 269 नंबर से 12 नंबर पर लाने में उनका सहयोग मिला और इसी प्रकार से प्लास्टिक मुक्त कराने में भी हमें उनका सहयोग प्राप्त हो, इसके लिए एक आज से कंपेनिंग शुरू की गई है जिसमें सबकी सहभागिता के साथ हम इस कार्य को पूरा कर सकें। प्लास्टिक के कितने नुकसान हैं इसके बारे में हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। हमारी नालियों को तो चोक करता है, स्वास्थ्य के लिए भी कितना हानिकारक है और जलवायु में भी परिवर्तन करने का कारण बनता है। इसलिए प्लास्टिक को ख़त्म करने के लिए ये अभियान चलाया गया। यहाँ से आज हमारे मंत्री जी, हमारे राज्य मंत्री और मंत्री जी यहाँ पर उपस्थित थे। सभी ने इस कार्यक्रम की यहाँ से शुरुआत की है और जनता का सहयोग के लिए मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ। बता दें कि इस कैंपेन की शुरुआत लखनऊ से हुई है। 5 दिवसीय इस कार्यक्रम को प्रयागराज और बनारस में भी लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही पूरे यूपी में जागरूकता अभियान के साथ साथ सिंगल यूज प्लास्टिक के ड्रॉबैक्स भी बताए जाएंगे। लखनऊ से डेली इंसाइडर के लिए अभिषेक पांडे की रिपोर्ट।
यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।